दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज है ट्यूसडे और बज रहा है 11 o'clock। मैंने नहा लिया है और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। ऋषि ने भी नहा लिया है, उसका भी ब्रेकफास्ट हो गया है, मतलब सबका ब्रेकफास्ट हो गया है। और आज मैंने अपने हेयर में एक मास्क लगाया है, बहुत ही अमेजिंग मास्क है। तो अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, है ना, तो अगर आप ये मास्क लगाते हो तो मैं गारंटी देती हूँ कि 90% तक आपका ये हेयर फॉल रुक जाएगा। तो उसको आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं इस चैनल पे नहीं, अपने दूसरे चैनल पे उसका वीडियो अपलोड करूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पर बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ मैं और ले करके आऊँगी। सो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके आप बिल्कुल देख सकते हो मेरा दूसरा चैनल। वही मैंने लगाया है और बहुत ही बढ़िया शाइन आई है बालों में, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। और पहले ही वॉश में आपको देखो फ़र्क नज़र आएगा कि आपके हेयर फॉल बहुत ही कम होगा। मैंने लगाया और जब मेरे बाल थोड़े से जब मैं धोती हूँ ना तो कर्ली से हो जाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बाल। तो मैं बहुत जल्दी कॉम नहीं करती हूँ, शाम टाइम करूँगी कॉम, और बहुत ही बढ़िया लगता है। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, और खाना बन रहा है, यानी कि भाभी लंच बना रही है। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू, जो कि अब मैंने पहले भी बताया था राघव को पसंद है, वो ख़त्म हो गया, तो मुझसे फिर कह रहा है वो लड्डू बना दो, तो मैं फिर से लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू कैसे बनते हैं, अगर इस चैनल पर शेयर करूँगी, नहीं तो उस चैनल पर शेयर करूँगी, नहीं तो दोनों पर शेयर कर दूँगी, ये डिपेंड करता है मूड पर। और हाँ, मैंने उस चैनल पे एक आम की चटनी बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली शेयर करी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग चटनी है। पूरी के साथ, कचौरी के साथ, पराठों के साथ बिल्कुल आप खा सकते हो। अगर आपको सब्ज़ी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो रही है तो उसको बना के रख लो 1 month तक, तो बहुत मस्त चलने वाली है वो चटनी। तो देखना ज़रूर, बिल्कुल मत भूलिएगा उस चटनी को, इंस्टेंट विद इन 5 minutes में बनती, 5 minutes में बनती, जी हाँ। तो देखिएगा बिल्कुल जरी जैसी है, मस्त चटनी है। ये देखिए बच्चे उधम कर रहे हैं, देखो मैं दिखाती हूँ। ऋषि, ये तुम क्या कर ले हो? हेलो बोलो, हेलो। और ये देखो, ये राघव है मंकी, हेलो बोलो, हट शैतान। राघव मंकी है, हाँ हेलो बोलो सबसे, हेलो। नहीं बोलोगे, ये क्या होता है? और ये कपड़े बिल्कुल नहीं पहन रहा है, इसको मैं टी शर्ट लेके घूम रही हूँ, पहन लो नहीं पहन रहा है, तो मैंने कहा छोड़ो गर्मी है मत्ती पहनो। तो अभी मैं जाने वाली हूँ किचन में और बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू। आप लोगों को बताऊँगी लड्डू कैसे बनते हैं, मुझे पहले नहीं आता था बट मम्मी ने सिखाया और मैंने 2-3 बार बनाए, बड़े मस्त लड्डू बनते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ लड्डू कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे लड्डू बनाने की तैयारी मैंने पूरी कर दी थी। अब मैं बेसन भून रही हूँ किचन में खड़े खड़े, साथ ही साथ मैं अपने दूसरे चैनल के लिए रेसिपी भी शूट करती जा रही थी, और इस चैनल के लिए यानी कि ब्लॉग के लिए भी शूट करती जा रही थी। और बेसन को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे भूनती जा रही थी और मम्मी को दिखाती जा रही थी, जैसे कोई बड़ा रहता है तो थोड़ा सा सही रहता है ना, उसको दिखाते रहो बार बार। हालांकि ये रेसिपी मम्मी ने मुझे बनाना सिखाया है, लड्डू बेसन के मम्मी ने ही मुझे सिखाया, तो मम्मी से पूछना ज़रूरी था। तो मम्मी बता गई नहीं, थोड़ा सा और भूनी उसको, थोड़ा सा और फ्राई करना है। मैं बस भूनती जा रही थी और थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है भाई बेसन भूनने में, और बस और जैसे
से आप लोगों ने देखा राघव को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं हो रहा था, मुझसे लड्डू मांग रहा था, बुआ लड्डू बन गए कि नहीं बन गए। तो मैंने उसको बुला करके दिखाया कि अब बेटा तुमको दिखाते लड्डू बन रहे हैं। और किचन में बहुत गर्मी थी, हालांकि चिमनी वगैरह लगी है और फैन चल रहा था, इसे थोड़ी राहत तो मिलती ही है, बट स्टिल आप गैस के सामने खड़े होते हो तो वो हीट तो लगती है और गर्मी तो लगती है। तो मैं बस अपना हैंकी ढूंढने गई थी क्योंकि बार बार स्वेटिंग हो रही थी और हाथ से साफ करना ठीक नहीं था, सो मैं हैंकी लेने गई थी और बस अपने पसीने को ऐसे पोंछती जा रही थी और मैं हैंकी से पकड़ने जा रही थी कढ़ाई। और लाइट बंद करके मैं देख रही थी कि बेसन भुना कि नहीं भुना, क्योंकि इस लाइट में प्रॉपर नहीं, आपको आइडिया नहीं लगता कि बेसन भुना है कि नहीं, सो मैं ऐसे ही देख रही थी। सो यहाँ पे आई थिंक मेरा बेसन भुन गया था बहुत अच्छे से और एक अच्छी सी स्मेल आने लगती है आपके बेसन से, तो आप समझ लो कि भुन गया है। तो बस इसको कंटिन्यूसली आपको चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा बेसन भुन के तैयार हो गया था, अब इसको ठंडे होने के लिए रख दिया मैंने। सो यहाँ पे लड्डू बन गए हैं, बन नहीं गए हैं, और ये यहाँ पे निकाल के रखा हुआ लड्डू, ठीक है, ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। सो पूरा बहुत गर्मी है भाई, पसीने से एकदम गरम गरम, और जा रही थोड़ी देर बैठने, जब ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा देन इसमें चीनी मिक्स करेंगे हम लोग। अभी ये थोड़े सा हवा में बैठते हैं, हवा ले लूँ, यहाँ रखूँ फोन। हाँ जी, सो बस ऐसे ही सो आपने देखा राघव बीच बीच में पूछा था बुआ लड्डू बन गए, बुआ लड्डू बन गए, मैंने उसको दिखाया, देखो बाबा बन रहे हैं, अभी मिल जाएंगे। सो चलिए थोड़ी देर में भी लड्डू बनाऊंगी, फिर आप लोगों से बात करूँ। सो जो बेसन के लड्डू की मैं बना के रखी थी भून के, उसको मैं हवा में ले आई थी ठंडा होने के लिए, और शुगर मिला कर के रख दिया था। तब तक बच्चों को मैंने जैसा पहले का बिल्कुल पेशेंस नहीं हो रहा था, तो राघव बस जैसे ही पहला लड्डू बना वो आ गया, बुआ लड्डू दे दो, बुआ लड्डू दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले बच्चे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उसको लड्डू दिया। और मैंने उससे पूछा बुआ कैसे हैं, तो मुझसे पूछता है बुआ कैसे हैं, बुआ कैसे हैं, बुआ कैसे हैं। और मेरी छोटू राम जो है ऋषि, उसको भी लड्डू चाहिए था, तो मैंने उसको नहीं दिया था, लेकिन वो मेरे आगे पीछे घूम रहा था, मांग रहा था लड्डू, तो उसके बाद मैंने उसको दिया लड्डू। तो ले जा कर के अपने नानू बैठे थे उनको खिलाने लगा, और उसके बाद फिर और मांग रहा था और दे, तो मैंने कहा नहीं अब हम नहीं देंगे लड्डू। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से, तो उसको मैंने दिया लड्डू अपने मुंह में भर करके लड्डू, और रखे हुआ था तो दूर से ही हेलो हेलो कर रहा था, तो मैंने बोला कैमरे के सामने तो आओ, तुम देख नहीं रहे हो। इधर 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 पोको देखो, पोको छूना नहीं, छूना नहीं, पोको देखा दो बस, बैठो बैठो, पोको दिखा दो, हेलो कर दो, बारिश हो रही है फाइनली, बहुत टाइम बाद अच्छी से बारिश हो रही है, और इसका मन बहुत कर रहा है बारिश में भीगने का, मुझे पता है, तभी चिल्ला रहा है मम्मा बारिश बारिश।
बहुत ही मस्त वाला वेदर है। बहुत अच्छी बारिश हुई थी, फिर हम लोगों ने नहीं, मम्मी के मेहंदी लगी, भाभी ने मेहंदी वेहंदी लगाई और मैंगो खाया गया। और उसके बाद थोड़ा देर लेट गई थी मैं, ऋषि सो गया था तो मैं भी लेट गई थी। सो अब शाम का स्नैक्स बना है जो कि है ये साबूदाने की खिचड़ी। इसकी रेसिपी मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि प्रॉपर इन्ग्रीडियंट्स नहीं थे, पीनट्स वगैरह जो भी डलता है वो नहीं था। सो ऐसे आधी अधूरी रेसिपी शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है, मतलब मैं बना लेती हूँ अच्छी खिचड़ी। सो सारे इंग्रेडिएंट अगर होंगे एक दो दिन में तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे बनती है। और अभी मैं बना रही हूँ रसगुल्ले, सफ़ेद वाले छेने के रसगुल्ले, तो उसकी रेसिपी भी मैं शेयर नहीं करूँगी। फिर अभी दो तीन दिन में रक्षाबंधन है तब मैं बनाऊँगी, तब उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। सो मैं अभी ऐसे थोड़े से बना ले रही हूँ। तो आई थिंक मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करूँगी। सो अगर मेरा ब्लॉग ही पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर अभी मैं थोड़ी, अगर पॉसिबल होगा तो मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखा दूँगी रसगुल्लों की। तो अभी मैं इंजॉय करती हूँ अपना इवनिंग का स्नैक्स, यानी कि थोड़ा सा इवनिंग का नाश्ता और बस खाना पीना खा के और सो जाया जाएगा। क्या है इसको बहुत पसंद है ये साबूदाने की खिचड़ी, तो इसको मैं खिलाती खिचड़ी। तब तक फिर मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। सो अगेन फिर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।